राज्य में कैंसर प्रभावित बांधों और बांधों की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन को बेहद गंभीर और उपेक्षित स्थिति के प्रति जागरूक करने के लिए मोरिया गोस्वामी मंदिर चिंचवड़ में 1001 अभिषेक का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र राज्य के सभी बांधों की हालत बहुत खराब हो चुकी है और वे जर्जर हो चुके हैं। सामाजिक कार्य बांध सुरक्षा अखिल भारतीय दीपक बच्चे पाटिल ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द इस बांध पर निर्णय ले और बांध सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। हाल ही में राज्य में बांध सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले जागरूक नागरिकों को सूचना का अधिकार पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। चूंकि राज्य में बांधों की स्थिति बहुत खराब है, कई बार विरोध करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। परिणाम स्वरूप कई विरोधों को इस आश्वासन के साथ वापस लेने के लिए कहा गया है कि बांधों को सुरक्षित किया जाएगा, जर्जर हालत सुधारेंगे, लेकिन कुछ खास काम नहीं किया गया जैसे थी की परिस्थिति है। हम लोग अभी मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, कंटिन्यूस गवर्नमेंट प्रशासन इनको फॉलो कर रहा हूँ डैम सेफ्टी के लिए, लेकिन मैं अकेला काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी आज मेरे हजारों साथी मेरे साथ है, उनको जो डैम की जो रियलिटी है टोटल मैं आज कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, और वो भी प्रूफ के साथ में। आज के जो भी डैम्स है वो कैंसर पेशेंट है, फर्स्ट स्टेज कैंसर पेशेंट है। अभी से अगर शासन ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो 25-40 साल में ये डैम थर्ड पेशेंट कैंसर पेशेंट के हिसाब से ये टोटली फेल हो जाएंगे। मेन इफेक्ट डिपोजिशन इज द मेन इफेक्ट फॉर डैम फेलियर। दूसरी बात, डैम सेफ्टी के लिए टोटल जो शासन प्रशासन है वो आज स्लीपिंग पोजीशन में है, कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं कंटिन्यूस फॉलो कर रहा हूँ डैम एक्सटर्नल सेफ्टी के लिए। गवर्नमेंट के पास मैन पावर नहीं है, मनी पावर नहीं है इसके लिए, और इसके बाद में ये प्रूफ के साथ में मैं हाई कोर्ट में पिटिशन दाखिल करूंगा अगर शासन ने गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन नहीं ली तो। आगे के कदम है, मैंने टोटली प्रूफ के साथ में पूरे महाराष्ट्र में जितने डैम्स है उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या ड्रॉबैक है और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। और जो मिनिस्ट्री है, जल संपदा मंत्रालय से लेके डैम मैनेजर तक, टोटली प्रूफ, गवर्नमेंट प्रूफ कि जो डैम अधिकारी उन्होंने कायदा भंग कैसे किया, जो डैम सेफ्टी एक्ट उसको ठुकरा कर नज़रअंदाज किया है, इसके बारे में टोटल प्रूफ मैंने जमा करके वो हाईकोर्ट में पिटीशन में फाइल करने वाला हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, महाराष्ट्र।